हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी इंग्लिश लिटरेचर की। सो प्लीज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट या फिर किसी टीचिंग जॉब की, तो प्लीज मेरे चैनल लर्न विद केफर कमल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने फार्मा पोएटिक सीरीज़ में एलेजी देखा था और आज यहाँ हम ड्रामेटिक मोनोलॉग देखेंगे। और उसके पहले हमने लिरिक देखा था, तो लिरिक में हमने ये जाना था कि लिरिक के चार टाइप होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट, ओड और एलेजी। इसमें से सोनेट और एलेजी वीडियो बनाई जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। और आज हम ड्रामेटिक मोनोलॉग देखेंगे, ये भी एक लिरिकल पोएम है। तो आइए शुरू करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए काइंड ऑफ पोएम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द रेगुलर एक्टेड ड्रामा एंड इज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म। सो फ्रेंड, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक अलग ही लिटरेरी फॉर्म है और जो कि रेगुलर एक्टेड ड्रामा से भिन्न है। यहाँ ये फिर प्रश्न उठता है कि ये ड्रामेटिक इसको क्यों कहते हैं। सो फ्रेंड, इसे ड्रामेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ड्रामा का जो एलिमेंट है, प्लॉट और कैरेक्टर और उसमें एक स्पीकर और लिसनर होते हैं, तो इसमें भी कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट है, इसलिए इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और यहाँ मोनोलॉग का शाब्दिक अर्थ जो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन पर्सन, और लॉग का अर्थ होता है डायलॉग या स्पीच या कन्वर्सेशन। सो फ्रेंड, मोनोलॉग का मतलब होता है एक सिंगल व्यक्ति की कही गई बातें या उसके डायलॉग, इसलिए इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। इट इज़ द स्पीच ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर हु इज नॉट द पोएट हिमसेल्फ। द स्पीच इज डिलीवर्ड बाय द कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम एट ए क्रिटिकल मोमेंट इन हिज लाइफ। सो फ्रेंड, जो इसमें स्पीच है लिखने का, तो वो पोएट लिखता है, लेकिन वो अपनी बातें किसी कैरेक्टर के माध्यम से कहता है। उस पोएम में वो पोएट स्वयं नहीं होता इन्वॉल्व, और जो जो स्पीच है वो डिलीवर्ड होती है किसी कैरेक्टर के द्वारा, और वो भी एक पोएम के रूप में, जो कि उस कैरेक्टर के क्रिटिकल लाइफ, उसके लाइफ के कुछ क्रिटिकल लम्हों के बारे में इसमें स्पीकर कुछ बताता है। द स्पीकर एड्रेस ए साइलेंट ऑडियंस ऑफ वन आर मोर पर्सन। जो इसमें स्पीकर है, जो कैरेक्टर है, जो बोलता है, वो एड्रेस करता है किसे, एक साइलेंट ऑडियंस को, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द स्पीकर विल नॉट बी इंटरप्टेड बाय द ऑडियंस, और यह विश्वास किया जाता है कि जिसमें स्पीकर को ऑडियंस के द्वारा इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोनो तो सिंगल व्यक्ति है, वो ही अपनी बातें कहेगा, और जो दूसरा या तीसरा व्यक्ति है जो कि ऑडियंस है, वो लिसनर के रूप में वहाँ पे उपस्थित तो होगा, लेकिन वो इस कन्वर्सेशन में भाग नहीं ले सकता। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम इन विच द स्पीकर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग एंड टॉकिंग टू सम अदर पर्सन। सो फ्रेंड, इसके हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक प्रकार की पोएम है, जिसमें जो स्पीकर वो डायरेक्टली एड्रेस करता है या किसी से बात करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है। द स्पीकर इन सच पोएम यूजुअली स्पीक अलोन इन अ वन वे कन्वर्सेशन एंड सो इट इज़ कॉल्ड ए मोनोलॉग। सो फ्रेंड, इसमें जो स्पीकर है इस पोएम में यूजुअली अकेले ही बोलता है, जैसा मैंने पहले बताया, स्पीक अलोन इन ए वन वे कन्वर्सेशन, एक तरफा कन्वर्सेशन की तरह, एंड सो इट इज़ कॉल्ड ए मोनोलॉग। और इसलिए इसे मोनोलॉग कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही व्यक्ति बात करता है, बोलता है, इसलिए इसे मोनोलॉग कहा जाता है। और जो सेटिंग है इस पोएम की वो ड्रामेटिक होगी। द ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑब्सक्योर। सो फ्रेंड, ड्रामेटिक मोनोलॉग की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, ये कुछ धुंधला सा है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए न्यू पोएटिक
form by Robert Browning. He developed this form of the soliloquy from the Elizabethan and Jacobean play. ऐसा ये माना जाता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस फॉर्म को काफ़ी डेवलप किया था और उन्होंने सोलिलोक्वी को एक तरह से डेवलप करके ड्रामेटिक मोनोलॉग में इस्टेब्लिश किया था। यहाँ फ्रेंड एक शब्द है सोलिलोक्वी। सो फ्रेंड, सोलिलोक्वी और ड्रामेटिक मोनोलॉग में बेसिक डिफरेंट क्या होते हैं, आइए हम वो जान लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। सोलिलोक्वी में क्या होता है कि इसमें भी स्पीकर होता है और ये भी, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी स्पीकर होता है, लेकिन अंतर यह है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर के अलावा एक ऑडियंस होगी जो उसकी बातों को सुन रहा होगा, और सोलिलोक्वी में जो स्पीकर है वो स्वयं से बातें करता है। जैसा कि आप लोगों ने अगर शेक्सपियर की हैमलेट को पढ़ा होगा तो उसमें जो प्रिंस हैमलेट है वो किंग हैमलेट के डेथ के बाद वो स्वयं से बातें करता है। उसे ये यकीन नहीं होता कि उसके जो पिता है, फादर है किंग हैमलेट, उनकी मृत्यु यूजुअल थी, क्योंकि डेथ के कुछ ही दिनों बाद अभी चिता ठंडी ही नहीं होती कि, और उसकी जो मदर है वो गर्ट्रूड और उसके चाचा क्लॉडियस दोनों शादी करने जा रहे थे, तो इस कारण से भी उसके मन में संदेह उठा और वो उस नाटक में वो अकेले बैठ के खुद से बातें करता है। तो वहाँ पे फ्रेंड वो सोलिलोक्वी है और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो थोड़ा हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि उसका एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए यहाँ है, फीचर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग आर फाउंड इन जॉन डन एंड चौसर। दिस इज द रीज़न व्हाई इट इज़ सेड दैट ब्राउनिंग डिड नॉट इन्वेंटिंग। देखिए जो इसके फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, वो जॉन डन और चौसर के पोया में भी पाई जाती है, इसलिए ये कहा जाता है, ये कारण है जिसके कारण कहा जाता है कि ब्राउनिंग ने इसे इन्वेंट नहीं किया था। हाँ, उन्होंने इसे डेवलप जरूर किया था। आइए अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। देर आर थ्री कैरेक्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। फर्स्टली, इट प्रेजेंट अ ड्रामेटिक मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर। यह जो कैरेक्टर है उसके जीवन के किसी ड्रामेटिक लम्हों को प्रेजेंट करता है, पहला ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है, इट इज़ रिवील द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। ये जो स्पीकर है उसके कैरेक्टर को भी रिवील करता है, शो करता है। और जो थर्डली है, ए सेकेंड पर्सन ए लिसनर इज प्रेजेंट हु प्ले अ पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोयम ऑल्दो ही डज नॉट स्पीक। इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि इसमें एक सेकेंड पर्सन होगा, वो लिसनर होगा, जो कि उसमें उपस्थित तो होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, केवल लिसनर का काम करेगा। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर देखना चाहें एग्जांपल के माध्यम से, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही माई लार्ड डचेस है, उसमें हम देख सकते हैं। उसमें क्या था कि जो ड्यूक है उसके कोर्ट में, दरबार में एक काउंट का मैसेंजर जाता है अपनी डॉटर की मैरिज प्रपोजल को लेके। सो जो उसमें ड्यूक है वो अपने लास्ट डचेस के बारे में, डचेस कहा जाता है ड्यूक की वाइफ को, वो अपने लास्ट डचेस के बारे में एक्सप्लेन करता है कि देखिए जो मेरी इसके पहले जो पत्नी थी वो काफ़ी हसमुख थी, किसी के भी बातों में या किसी से भी थोड़ी सी कुछ बात होती थी हंस के बात करती थी, कोई इसे बाग से अगर चेरी भी ला कर दे दे तो वो खुश हो जाती थी। कहने का मतलब वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाया करती थी, जिस कारण से उन्हें वो जलन महसूस होती थी, और इसलिए वो ड्यूक कहता है उस मैसेंजर से, इसलिए मैंने उसकी हंसी को आजीवन के लिए बंद करवा दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैरेक्टर के ड्रामेटिक मोमेंट इन द लाइफ, कैरेक्टर के जो ड्रामेटिक लम्हा है उसके जीवन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे वो उसके जीवन के बारे में बताता है कि कैसे वो उससे शादी करता है, लेकिन वो उसके कैरेक्टर को लेकर हमेशा जेलस फील करता है कि वो सबसे हंस के बात करती है। तो यहाँ पे ये उसके जो ड्यूक है उसके कैरेक्टर के, उसके लाइफ के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो उसका है एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि रिवील द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसमें ये भी है कि जब वो ड्यूक उससे कहता है कि इस कारण से मैंने उसको मरवा दिया या उसकी हंसी को बंद करवा दिया,
तो कहने में वो काफ़ी गर्व महसूस करता है और उसे ज़रा भी संकोच नहीं होता, और यही वो अपेक्षा करता है जो नई जो उसके काउंट की डॉटर है, नई जो उसकी होने वाली बीवी है, उससे भी अपेक्षा करता है कि वो केवल उसे देख के हंसे और उसके लिए खुश हो। तो यहाँ पे ये एक तरह से कैरेक्टर के जो स्पीकर उसके कैरेक्टर को शो कर रहा है कि वो जेलसी है, सक्की माइंड का है और काफ़ी प्राउडी है, एरोगेंट है, काफ़ी घमंडी है, तो ये भी दिखाता है इसमें। और जो थर्ड है ए सेकेंड पर्सन, और देखिए यहाँ पे एक साफ तौर पे जो काउंट का जो मैसेंजर था जो कि ड्यूक का कोर्टियर था, वो उसकी बातों को सुन रहा है, और जो ड्यूक है वो उस पेंटिंग को अपने लास्ट डचेस की पेंटिंग को दिखा के उसके बारे में ये सब बातें करता है। फ्रेंड ऐसे तो देखा जाए तो जब ये जो पोयम है माई लास्ट डचेस, इसमें जब वो ड्यूक है जिसकी शादी हुई रहती है, ड्यूक की उम्र 25 साल थी और जो डचेस है वो उसे 11 साल छोटी थी, 14 साल। 14 साल की लड़की में ये सब सारी थोड़ा क्वालिटी तो होगी, वो जैसा होती वैसा सबको सोचती है, इसमें कुछ बुराई नहीं थी, वो उसका हसमुख स्वभाव था, लेकिन वो लड़का जो ड्यूक है वो मेच्योर था, 25 साल का था, और लड़की अमेच्योर थी। सो उसका यह सोचना गलत था और उसे वो अपने प्राइड के रूप में, एरोगेंट के रूप में दिखाता है और इस कारण वो उसे मरवा भी देता है। तो उसने गलत किया, लेकिन ये सब सारी जो कैरेक्टर है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से इसमें दिखाई गई है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ब्राउनिंग के ही कुछ पोयम है, जैसे कि माय लास्ट डचेस, इरा लिप्पो लिप्पी, एंड्रिया डेल सार्टो, द लेबोरेटरी, बिशप ऑर्डर हिज टॉम एंड जोहानिस एग्रियोला आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो फ्रेंड ये सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग अच्छे समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी बचा है ओड उसको देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।